रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है इसकी, क्या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है, किस तरह से हमको यूटिलाइज करते हैं सेंटेंसेस, हम क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने कौन कौन सी क्रिएटिव एक्टिविटीज जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट होता है क्या। जब आप बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, तो इसका मतलब आप टाइमलाइन पे बात कर रहे हैं। जो पहले गुजर गया वो पास्ट है, और जो इस वक्त है वो प्रेजेंट है, और जो अभी आने वाला है वो फ्यूचर है। अब ये एक टाइमलाइन है जो आपके सामने नजर आ गई। अब हम किसी चीज का इफेक्ट हम प्रेजेंट में देख रहे हैं, यानी उसका रिलेशनशिप प्रेजेंट के साथ है, लेकिन वो एक्शन कब हुआ, इससे पहले हुआ, ऐसे समझ लें। या प्रेजेंट के रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं कि एक काम हुआ है उससे पहले, प्रेजेंट से पहले, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। क्योंकि एक तो उसमें नाम है कि प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में ये कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब है प्रेजेंट के साथ लिंक्ड है। और कैरी कब से हो रहा है, ये पीछे से कैरी हो रहा है, और वो अब के रेफरेंस से पहले हो गया। या किसी चीज का इफेक्ट अगर प्रेजेंट में आ रहा है, एक्शन वो पहले हुआ, इफेक्ट उसका प्रेजेंट में आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होगा, फर्ज करो हम कह रहे हैं रबात में 2 साल से है, तो वो क्या होगा, वो हैज लिव्ड होगा। क्योंकि वो अगर हम यहाँ पे इस वक्त बात करें, हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ पे, यानी इसके हवाले से बात करें, तो इसका मतलब है जो रबात में रहने का एक्शन है वो 2 साल पहले का है। 2 साल से लेके इस वक्त तक ये एक्शन कंप्लीट हो गया, तो ये क्या होगा, टेंस परफेक्ट होगा। यानी अब के रेफरेंस से हम 2 साल पहले से लेके अब तक की बात करें, तो ये एक्शन क्या होगा, परफेक्ट टेंस होगा। अब जब ये टाइम ट्रेवल करता है, तो इसकी क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। इसकी एक ये है कि अब से पहले खत्म होगा, यानी ये हमारा प्रेजेंट का सर्कल है, ये प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। एक ये है कि एक्शन अब से पहले खत्म हो गया, एक एक्शन ये है कि इस वक्त भी चल रहा है, और ये है कि इस वक्त भी आगे वो फ्यूचर में भी चल रहा है। वो कैसे हो सकता है, मसलन अब हम कहते हैं कि ही हैज बीन हियर अटेंडेड, 10 दिन से यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या होगा, अब से पहले है। इसका फैक्ट कहां तक आया उसका, वो इस केस में है। अगर हम कह रहे हैं कि वो 10 दिन से रह रहा है, प्रेजेंट टेंस क्या बनेगा, ही has been living here for 10 days. इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्शन 10 दिन से लेके शुरू हुआ, और ये कहां तक आ गया, इस वक्त इस पॉइंट पे भी आ गया, क्योंकि हमने कहा कि वो रह रहा है अभी भी, has been living, इसका मतलब है ये अभी भी तक आ गया, तो ये कौन सा हो गया, कंटिन्यूस हो गया। और अगर हम इसको हम ले जाएं, ये दोनों की आपको आइडिया हो गया होगा, एक एक्शन है प्रेजेंट तक ही आ रहा है, इसका इफेक्ट प्रेजेंट तक आ रहा है, लेकिन एक थोड़ा सा पीछे है, यानी वो 10 दिन से रह लिया है, एक इस पॉइंट तक आ रहा है, प्रेजेंट केस इस वक्त, राइट एट दिस पॉइंट, जो जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं, तो वो कौन सा होगा, प्रेजेंट, वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। और एक ये है तीसरा जो केस है, मैं
इस तरह से लिखता हूं कि इफ ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क ही विल मूव फॉरवर्ड। अब यहां पे देखना है कि यहां पे इस तरह की जो कंडीशनल क्लॉज होती है, कंप्लीट सेंटेंस कब हुआ वो पहले, और इसका इफेक्ट कहां तक जाएगा वो फ्यूचर तक जाएगा, यानी ही विल मूव फॉरवर्ड जो है वो फ्यूचर तक जाएगा। तो इस तरह से ये परफेक्ट जो है वो रिलेटेड होता है जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कॉनोटेशन जो है वो प्रेजेंट के सर्कल से आगे भी निकल रही होती है, उस वक्त तक पहुंच रही होती है, उससे थोड़ा सा लैग कर रही होती है। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट का टाइमलाइन की मदद से वो कॉन्सेप्ट। जहां तक परफेक्ट टेंस का तल्लुक, तो ये जो चार्ट है आपने याद रखना है, ये चार्ट आपके लिए यूजफुल होगा तमाम टेंसेस के लिए। सबसे पहले वर्ब फाइंड आउट करना है, इस पर सवाल करना कौन कर रहा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो रहा है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हु जो है ढूंढना वो सब्जेक्ट है, क्या हो रहा है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट आ गया तो इसका मतलब एक्टिव है, ये एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव वाइस। अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो इसका मतलब पैसिव वाइस। अब इसमें आपने देखा कि पास्ट है, अब फिर आपने देखना कि टेंस कौन सा है। पहले आपने वर्ब देखा, दूसरे स्टेप पे आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को देखा, एक्टिव वाइज था पैसिव वाइज था, दूसरा सब स्टेप आ गया। तीसरे आपने देखा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये मॉडल। फिर आपने देखा कि काम रूटीन में है, चल रहा है, मुकम्मल हो गया या कुछ देर से चल रहा है। तो जो रूटीन में है वो इंडेफिनिट हो गया, जो प्रोग्रेशन में है वो कंटिन्यूस हो गया, जो मुकम्मल हो गया वो परफेक्ट हो गया, और जो कुछ देर से चल रहा है वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। अब एक्टिव वाइस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जाहिर हम लगाते हैं, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और पैसिव वाइस में ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हमने पढ़ा, ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद वर्ब आएगा, सब्जेक्ट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकता, ये तो लाजमी हिस्सा है। वर्ब के आगे फिर दो पार्ट्स होते हैं, वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, यानी हेल्पिंग ऑक्सिलरी या मॉडल ऑक्सिलरी जो भी होगा, ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जो दूसरा वर्ब इस्तेमाल होगा वो मेन वर्ब होगा। तो ये दो हिस्से, दो पार्ट्स हो जाएंगे किसके, जो वर्ब का हिस्सा हो जाएगा। अब इसमें देखना आपने कि जब एक्टिव वाइज की बात करें तो एक्टिव वाइज का ये स्ट्रक्चर है, ये मैंने जो ब्लैक में है वो एक्टिव वाइज का स्ट्रक्चर है। एक्टिव वाइज में जाहिर पहले सब्जेक्ट आना, वर्ब की जगह ये आ जाएगा, वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, हैज हैव हैड शैल हैव विल हैव, ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में है। वर्ब की फॉर्म कौन सी आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। मैंने जैसे पहले बताया कि वर्ब के कितने हिस्से होंगे, वो दो हिस्से होंगे, एक वर्ब जो है वो एग्जिस्ट करेगा ऑक्सिलरी वर्ब पे और एक मेन वर्ब पे, ये आपका वर्ब का स्ट्रक्चर होगा, यानी वर्ब आपका ये दो चीजों पर मुश्तमिल होगा। तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब और फिर वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आ गया। अब ये एक्टिव वाइस में, इसी तरह से एक्टिव वाइस में भी ऐसे वर्ब में क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया प्लस जो है ना वो मेन वर्ब आ गया, यानी ये जो मेन वर्ब की फॉर्म जो लगेगी। अब इसमें फॉर्म कौन सी लगनी है, परफेक्ट में थर्ड, कंटिन्यूस में फोर्थ, मॉडल में फर्स्ट, इन्फिनिटिव में फर्स्ट, प्रेजेंट में क्या होगा फर्स्ट, पास्ट में सेकंड, और क्या होगा इम्पेरेटिव में फर्स्ट। यानी कि आपको बड़ी आप फिगर टिप स्पेस को समझ सकते हैं उसको। उसके बाद हमने देखना है जी कि जब ये पैसिव वाइस में आ जाए तो सिर्फ इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, जैसे यहां मैंने बताया पैसिव वाइस में, उसमें सिर्फ इजाफा करेंगे बीन का, परफेक्ट में करेंगे बीन का, कंटिन्यूस में बीइंग का, मॉडल में बी का, इन्फिनिटिव में क्या होगा टू बी का, और पास्ट प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर, और इसमें
क्या होगा, बी और लेट का इस्तेमाल करेंगे जो इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से आपने इसको फिंगर टिप्स पे ये चार्ट याद कर लेना ताकि आपके लिए इजी होगा इसको याद करना और सॉल्व करना। लेट्स सी जी हम किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट करो हमने एक सेंटेंस लिया, जो हमने सेंटेंस कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। सपोज हमने एक वर्ब लिया रिवोल्यूशनाइज, रिवोल्यूशनाइज पे सवाल करना कौन कर रहा है, साइंस कर रही है। दूसरा सवाल कर रहा है किसको रिवोल्यूशनाइज कर रही है, हमारी जिंदगियों को। अगर ये अभी कर चुकी है यानी रीसेंट साइंस अभी भी है, अगर हम समझें तो साइंस इस वक्त मौजूद है और जो काम उसने किया वो उससे पहले कर दिया है। तो इसका मतलब है कि साइंस इस वक्त मौजूद है, उसका इफेक्ट जो है जो उसने काम किया वो इस वक्त पे आ रहा है। तो जब हम इस तरह से यूज करते हैं हम इसका, तो हम उसके बाद क्या यूज करते हैं, वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हैज रिवोल्यूशनाइज्ड आवर लाइफ और किसको, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, मजीद ऑब्जेक्ट में इजाफा कर दिया। ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ क्या होगा, लाइक कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद है डेली लाइफ। अब जितने भी नाउन्स हैं उनसे पहले एडजेक्टिव लगा सकते हैं। फर्स्ट करो आवर लाइफ्स हैं, आर डेली लाइफ्स हैं, आर हैप्पी लाइफ्स हैं, ह्यूमन लाइफ्स हैं एंड सो ऑन, हम इसमें इजाफा कर सकते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह से हो जाए, इस तरह से चेंज है। चेंज पे आपने सवाल करना कौन तब्दील कर रहा है, साइंस कर रही है। किसको तब्दील कर रही है, वर्ल्ड को कर रही है। मजीद बढ़ाएं तो किस में कर रही है, ग्लोबल विलेज में कर रही है। किस तरह से कर रही है, बाय ब्रिंगिंग द चेंज। उसके बाद है कैसे, रिड्यूसिंग द डिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डिस्टेंस बाय रिड्यूसिंग डिस्टेंस बिटवीन द पीपल होगा। अब जहां पे भी नाउन है उससे पहले एडजेक्टिव लगाया जा सकता है, उसके बाद फ्रेज लगाई जा सकती है। जैसे वर्ड है तो प्रेजेंट वर्ड लगा लें, ये पहले एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से वर्ड आफ्टर डे है, ये बाद में आ जाएगी, यानी फ्रेज बाद में लग जाएगी और जो एडजेक्टिव होगा वो पहले इस्तेमाल होगा। इस तरह से हमने क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को उसमें इजाफा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। उस हमने एक रिसेंटली जो है ना वो स्टिल एग्जिस्टिंग है, कोरोना पेंडेमिक है, उसने दुनिया में चेंज लाई है। अब ये जो चेंज है, अभी कोरोना पेंडेमिक अभी मौजूद है, अगर ये पास्ट में होती है हम उसके इफेक्ट्स देख रहे होते तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाना था। लेकिन अभी चूंकि कोरोना पेंडेमिक राइटली प्रेजेंट में मौजूद है और इसके इफेक्ट्स हम कहाँ पे नजर आ रहे हैं, वो प्रेजेंट में आ रहे हैं, और इसके जो इफेक्ट्स लाए हैं वो किस में हो जाएंगे, वो प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएंगे। अब इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, हम सपोज हमारी क्या क्या तब्दीलियां लाई हैं जी। अगर हम देखें तो कौन कौन सी तब्दीलियां कोरोना ने लाई हैं, तो हम कुछ इस तरह से बयान कर सकते हैं। सपोज हम कहते हैं जी कोरोना ने क्या किया जी, हमारा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। क्या होगा, पहली दफा आपने कोरोना लिखना है, कोरोना क्या होगा, हैज, अब चूंकि चेंज कर दिया है तो has changed our क्या होगा, ways of living, हमारे living style को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और कोरोना ने क्या किया, अब मैं जरा इंडिविजुअली एक वर्ब से आपको मैं इसकी फिर आपने बाकी जो ना खुद करना है, इसको मैंने एक एक वर्ब करके मैं आपको बताता हूँ, चंद एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि किस तरह से हमने परफेक्ट टेंस में कैसे करते हैं। सपोज हमारे क्या किया जी, उसने सपोज जो है ना हमें एक लेसन सिखाया है, अब टीच हमारा वर्ब हो गया, उसमें क्या होगा, इसमें टीच हमारा वर्ब है। अब टीच पे सवाल करना, किसने टीच किया है, जहरेस ने कर दिया है। अब चूंकि ये कर दिया है तो क्या होगा, इट हैज टॉट होगा। अब टॉट किसको किया, किसको किया, अस को। अब टीच क्या किया है, अ लेसन किया, इट हैज टॉट अस अ लेसन,
लेसन किसका है? ऑफ कंटेंटमेंट का। अब ये लेसन जो है ना, अब आपका नाउन है लेसन, लेसन के पीछे भी लगा सकते हैं, उसके आगे भी लगा सकते हैं। पीछे लगाएंगे तो क्या होगा? अ ब्यूटीफुल लेसन। आप यहाँ पे उसमें एडजेक्टिव का इजाफा करते, ब्यूटीफुल लेसन ऑफ कंटेंटमेंट। एंड क्या होगा, आप कह लो सबर का, पेशेंस। इस तरह से आप उसमें क्या कर सकते हैं, इजाफा कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई और वर्ब लेके जो ना, हम किस तरह से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज हमने एक वर्ब लेना है, कोरोना ने जो हमारे क्या होगा चेंज लाया है, या क्या होगा एक्सपोज किया है। सपोज कोरोना ने एक्सपोज किया है, अब यहाँ पे एक्सपोज चूंकि कर दी है आपके रेफरेंस से, तो परफेक्ट टेंस लगेगा। इट हैज, और एक्सपोज की कौन सी फॉर्म लगानी है? एक्सपोज्ड, वो हमने क्या होगा थर्ड फॉर्म लगानी है। एक्सपोज अगर देखें तो एक्सपोज किसको किया, अब क्या होगा द आप कह लो इंसान की बेबसी को, द हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस अगर हुआ है, अब इसमें मजीद जो है वो जब आपने इजाफा करना हो तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, हेल्पलेसनेस ऑफ क्या होगी वो ह्यूमन बीइंग्स की। ठीक है, अब क्या होगा ह्यूमन बीइंग्स की हेल्पलेसनेस को शो करती है। तो इस तरह से आपने किसी भी सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, वो इसकी मदद से बना सकते हैं। सिमिलरली आपने इस तरह से वर्ब लेना है, वर्ब लेके उसको ट्राई करना है किस तरह से हम उसको बना सकते हैं, वो हम उसमें चेंज कर सकते हैं, उसमें आइडियाज में चेंज कर सकते हैं, इसको हम क्या होगा नए नए आइडियाज दे सकते हैं इसमें। आपने कोरोना पे इसकी पिक्चर को सामने रखते हुए मैंने इसकी चंद एग्जांपल दी हैं, तो आप यू कैन राइट इन दिस वे, इन द सिमिलर वे एज आई हैव डन, यू कैन राइट सेंटेंसेस एट योर ओन। उसके बाद है नेक्स्ट जो है हमारा वो स्लाइड है, हमने देखना है कि किस तरह से वो करते हैं, इसके क्या क्या इंडिकेटिंग वर्ड्स होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जस्ट अभी अभी हुआ है, येट अभी नहीं हुआ है नेगेटिव में इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये कंप्लीशन की मीनिंग दे रहे हैं। येट हैज नॉट स्टार्टेड, क्या होगा हैज नॉट स्टार्टेड हर बिजनेस, हो जाएगा येट आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि क्या होगा अभी तक क्या होगा वो नहीं किया, तो येट का इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है जी, इसमें इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे येट उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमें जो ना हम देखेंगे क्या होगा, जस्ट अराइव्ड अभी अभी पहुंचा है, उसके बाद है ऑलरेडी जो ना वो फेस्ड हो गया, पहले ही फेस कर चुके हैं, हैव यू एवर कभी किया है विजिट, इसी तरह से हैज बीन सक्सेसफुल सो फार अभी तक है, इसका मतलब अभी तक काम जो ना वो क्या हो जाएगा मुकम्मल हो जाएगा। अंटिल नाउ अब तक ये काम मुकम्मल हो चुका है, हैज क्लेम्ड हो जाएगा। रिसेंटली अभी अभी हुआ है, ये परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करेगा। सिंस फार आ जाए तो तब इसका मतलब है कि वो क्या होगा परफेक्ट टेंस आ जाएगा, इस तरह से फार के साथ है, फॉर लास्ट 20 इयर्स है। लेटली का मतलब होता है हाल ही में, रिसेंटली का मीनिंग सेम होता है, तो यहाँ पे क्या होगा जॉइंट आ जाएगा। वंस बिफोर है तो इसका मतलब बिफोर आ गया, तो काम पहले ही हो चुका है, और इसके लिए वंस बिफोर या बिफोर आएगा तो वो परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करेगा। तो ये तमाम के तमाम जो इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करेंगे। तो परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करेंगे, हैज हैव हैड हैड और शैल हैव विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें। जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। एक्सेसिवली इस्तेमाल है इसमें, पैराग्राफ में भी होगा इसका इस्तेमाल, और वैसे भी राइटिंग में आप इस्तेमाल करेंगे इसको। इस तरह से सपोज हमने देखना है किस तरह से हमने ट्रांसलेशन में इसको इस्तेमाल करते हैं। सपोज आपके सामने है ये ऐसा बेशकीमत विरासत है, इट इज सच अ वैल्यूएबल हेरिटेज,
जो तहजीब ने इंसान को बख्शा है, बख्शना वर्ब हो गया, कौन बख्श रहा है सवाल करना, कौन बख्श रहा है जो बख्शा है, किसको बख्शा है, जो तहजीब ने इंसान को बख्शा है, बल्कि तहजीब ने बख्शा है, और क्या होगा, किसको बख्शा है, इंसान को बख्शा है। तो विच सिविलाइजेशन हैज ब्लेस्ड मैन, हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया, वर्ब हासिल करना, कौन हासिल कर रहा है, हम हासिल कर रहे हैं, किसको हासिल कर लिया, पाकिस्तान को हासिल कर, इलेक्शन कंप्लीट हो गया, परफेक्ट होगा, वी हैव गॉट पाकिस्तान, जैसे कि असल किरदार अदा किया, अदा करना वर्ब हो गया, कौन अदा कर रहा है, पाकिस्तान अदा कर रहा है, क्या अदा कर रहा है, मुअस्सर किरदार अदा कर रहा है, तो मुअस्सर किरदार क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो पाकिस्तान हैज प्लेड एन इम्प्रेसिव रोल, क्या होगा, एन इम्प्रेसिव रोल, अब किसके है, दहशत गर्दी के खिलाफ, ये किसके मीनिंग में इजाफा करें, मुअस्सर रोल के, तो उसके बाद आ जाएगा इसका तर्जुमा, अगेंस्ट टेररिज्म। इंसान ने साइंस को अच्छे मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करना वर्ब हो गया, कौन कर रहा है इस्तेमाल, इंसान कर रहा, किसको कर रहा है, साइंस को कर रहा, अब ये मैन हैज यूज साइंस फॉर गुड ऑब्जेक्टिव्स, बना ली है वर्ब, कौन बना रहा है, इंसान ही, क्या चीज बना ली है, बहुत सी कारामत चीजें, विद इट सेल्फ ये टूल है बनाने का, तो क्या होगा, ही हैज मेड या हैज मेड मैनी यूजफुल थिंग्स विद इट सेल्फ, उसके बाद इस्तेमाल किया है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, इंसान ने, किसको इस्तेमाल किया है, साइंस को, बट मैन हैज यूज्ड साइंस फॉर इविल पर्पसेस या इविल डिजाइंस, इसी तरह से बहुत सारे हथियार बना लिए, वर्ब क्या है, बनाना, कौन बना रहा है, वही इंसान ही, उसने, उसकी जगह पर नाउन आ गया, उसने क्या बना लिया, बहुत सारे हथियार बना लिए, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो क्या होगा, प्रेजेंट के रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं, तो इट हैज या ही हैज मेड मैनी क्या होगा, वेपन्स विद इट सेल्फ, रिश्वतानी हमारे मुआशरे का हिस्सा बन चुकी है, वर्ब क्या है, बनना, कौन बन रही है, रिश्वतानी और बदनवानी, क्या होगा, क्या बन रही है, हिस्सा बन चुकी है, ऑब्जेक्ट हो गया, और हिस्सा किसका, हमारे मुआशरे का, इसके मीनिंग में इजाफा कर, उसके बाद आ जाएगा, तो रिश्वतानी करप्शन, ब्राइबरी एंड करप्शन हैव बिकम द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, पक्षेज में जरूरी हो गया, इट हैज जरूरी होना वर्ब, क्यों, ये जरूरी हो गया, इट हैज बिकम नेसेसरी फॉर द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, हिंदुस्तान ने तमाम बड़े डैम बांध बांध लिए, हम बांधना वर्ब हो गया, कौन बांध रहा है, हिंदुस्तान बांध रहा है, किसको बांध रहा है, कई बंद बांध लिए, और ये डैम जो है बड़े डैमों पे ये जगह है, तो हिंदुस्तान या इंडिया हैज बिल्ट मैनी बैराजेस ऑन ऑल बिग डैम्स, टीवी कीमत ज्यादा है, द प्राइस ऑफ टीवी इज क्या होगा, वेरी हाई, और इसके बावजूद कमी नहीं आई है, वर्ब क्या है, कमी आना, कौन कमी आया, उसकी अहमियत, बट इन स्पाइट ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस हैज नॉट रिड्यूस, अवाम के नुमाइंदे वही कानून बनाते हैं, बनाना वर्ब, कौन बनाते हैं, अवाम के नुमाइंदे, क्या बनाते हैं, वही कानून, अब यहाँ पे रूटीन में बनाते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, परफेक्ट नहीं होगा, इंडेफिनिट में है, तो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक ओनली मेक दोस लॉज जो कि रोशनी में बनाए गए हों, बनाना वर्ब हो गया, कौन बना रहा है, नहीं पता, जो बनाए गए हैं ये ऑब्जेक्ट होगा, तो पैसे वाइस आ गया, पैसे वाइस में देखिएगा हमने ऑब्जेक्ट के बाद क्या यूज करना है, क्या होगा, हैज हैव का वही रहेगा इस्तेमाल, तो क्या होगा, विच हैव बीन, इजाफा किसका किया, बीन का, विच हैव बीन क्या होगा, लेजिस्लेटेड या मेड, क्या होगा, थर्ड फॉर्म लगा दी, इन द लाइट ऑफ कुरान, कुरान एंड सुन्ना, उसके बाद ये पूरी तरह मंजरियाम पे आ चुकी है, मंजरियाम पे आना, कौन ला रहा है, नहीं पता, क्या हो गया, ये बात हो आ गई, तो क्या होगा, इट हैज बीन एक्सपोज, अब यहाँ पे देखें फिर वही आ गया, अब यहाँ पे हमने सेंटेंस क्या करना है, अब काम करने वाला या हो रहा है, ये बात हो चुकी है, तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा, पैसिव वॉइस में आ जाएगा, परफेक्ट में क्या लगा, तो ऑब्जेक्ट, दिस थिंग हैज बीन एक्सपोज, अब ये है वही हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना हैज हैव, और उसके साथ क्या इजाफा करना हमने पैसिव वॉइस में, ये रेड में मैंने दिया है ये सारे के सारे, ये पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करेंगे, हैव, दिस थिंग हैज बीन एक्सपोज्ड, क्या होगा कंप्लीटली विद हेल्प ऑफ साइंस, ये बात क्या होगा उसकी मदद से क्लियर हो चुकी है।
तो इस तरह से हमने ट्रांसलेशन में प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया, और दिस इज अ वे टू राइटिंग। हमने इसके मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट देखे, जहां पे इंडिकेटिंग वर्ड्स नहीं भी है वहां पे भी हम समझना, मैंने जो सोचा वो मैंने पहले मिल चुका है, जो मैंने सोचा यहाँ पे और जो मेरा मिलना है उससे पहले है, तो इसके रेफरेंस से पहले होगा, परफेक्ट टेंस हो गया। मैं सॉरी यहाँ पे हूँ और जो मैंने किया वो उससे पहले किया, वो परफेक्ट टेंस पे हो गया। नोबडी एवर एवर इंडिकेट करेगा कि क्लाइम, एक तो ये हो गया कि हमने कॉन्सेप्चुअली हम उसका क्या करते हैं, परफेक्ट टेंस को समझते हैं, कि अगर किसी प्रेजेंट के रेफरेंस से पास्ट की उससे पहले की बात हो रही हो तो वो क्या होगा, नियर पास्ट भी इसको इसलिए कहते हैं, वो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। कुछ इंडिकेटर आ सकते हैं जो हमने पहले भी पढ़ा, इंडिकेटिंग वर्ड्स हो गए तो वो भी क्या होगा, वो परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करेंगे, जैसे एवर एवर क्लाइम्ड माउंटेन, कभी चढ़े हो, ये क्या होगा, प्रेजेंट में बात हो रही है और पूछ रहे हैं कि पहले कभी चढ़े हम, ये अभी तक की बात हो रही है, पहले अटेम्प्ट नहीं किया है। उसके बाद क्लास 3R से है, तो इसका मतलब 3R से शुरू हुई उस वक्त तक भी चल रही है, तो इसका मतलब वो परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इसी तरह सेंस मूव के साथ, इस तरह से आई शैल लीव आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड, ये देखिए पहले आपने कंप्लीट किया और उसके बाद आई शैल लीव है, तो ये जब हमने डिपेंडेंट क्लॉज में इस्तेमाल करते हैं तो कंप्लीट करने के बाद मैंने देखा, तो हमने जैसे पढ़ा था कि वो प्रेजेंट से गुजर के आगे फ्यूचर में भी चला जाता है, तो ये एक्शन वही है कि उसके साथ रिलेट करवा रहे हैं, तो जो अभी कंप्लीट किया है वो प्रेजेंट में किया है और जाना जो है अभी बाद में है, तो वो क्या आ गया, फ्यूचर में आ गया। जिस तरह यू हैव कम्प्लीटेड द टेस्ट, आई शेल हैव फ्लोन, मैं चला गया हूँगा, तो ये नहीं कि वो इंडिकेट कर रहा है कि वो कंप्लीट करने के बाद जो है वो हो जाएगा। डॉक्टर हैव क्योर्ड मैनी डेडली डिजीज, अब चूंकि डॉक्टर ने काम कर लिया है तो क्या होगा, डॉक्टर प्रेजेंट में मौजूद है और जो काम उन्होंने पहले कर चुके हैं वो परफेक्ट टेंस में आएगा। इस तरह से हमने इंडिकेट कर सकते हैं टेंसेस को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपकी होम टास्क है, जस्ट आपने इमेजिन करना है कि आपने एक चेंज पर्सन है प्रीवियस क्या होगा फ्यू ईयर्स में, और उसमें आपने अपने अंदर क्या क्या चेंज लाई वो आपने उसमें मेंशन कर सकते हैं। ये फर्ज करो मैंने सपोज है, सपोज मैं अपने बारे में बात करता हूँ, मैंने लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया है, इसका मतलब वो काम क्या हुआ, लीव करना। इस तरह से आपने आपने सेंटेंस बनाना है, इसने लीव किया मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अपनी बात करें तो इसमें आई सब्जेक्ट होगा, आई हैव क्या होगा लेफ्ट, लेफ्ट क्या छोड़ा जी, मैंने छोड़ा है, क्या छोड़ा है जी, मैंने सोचना छोड़ दिया, तो आई हैव लेफ्ट थिंकिंग, ठीक है, किसके बारे में, ऑफ अदर्स, दूसरों के। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वो परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आध एग्जांपल मैं और दे देता हूं, ये मैंने अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाई, इस तरह से आपने अपने अंदर चेंजेस देखनी, लास्ट 10 ईयर्स में क्या आपके अंदर तब्दीलियां आई, उसको आपने एक दफा रिव्यू करना है और उसको आपने यूज करना है, उसको उसकी क्या होगा, आपने रिहर्स करनी है। इस तरह से सपोज अगर मैं कहता हूं कि मैंने क्या किया जी, सपोज मैंने मैनेज किया है अपनी लाइफ, अब इसमें देखना है कि आपने मैनेज पे सवाल किया ना किसने, मैं कहूंगा कि आई है मैनेज, मैनेज पे सवाल करूंगा किसको मैनेज किया, माई लाइफ, अब मजीद मैंने क्या किया, मैंने किसके मुताबिक मैनेज किया, अब मजीद इसमें इजाफा कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्या होगा, टाइम टेबल, टाइम टेबल के मुताबिक मैंने मैनेज किया है, ठीक है। उसके बाद है कि अब यहाँ पे टाइम टेबल है तो टाइम टेबल के बारे में बात करनी है, कौन सा है जी, क्या होगा, आप कह लें डिवाइस्ड बाई मी, जो मुझसे डिवाइस हुआ है, तो इस तरह से क्या होगा, वो हम इस तरह से हम यूज कर सकते हैं किसको, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इन सेंटेंसेस को, इन वर्ब को, और आपने इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जी, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।